बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व की तैयारियों को लेकर मंडी शहर के अपर पड्डल मैदान में इन दिनों रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाया जा रहा है। पुतलों को बनाने के लिए सहारनपुर से कारीगरों को बुलाया गया है, जो पिछले एक हफ्ते से अपर पड्डल मैदान में पुतलों को बनाने का काम कर रहे हैं। यूपी सहारनपुर से संबंध रखने वाले खालिद ने बताया कि वे 6 लोग सहारनपुर से आए हैं और पिछले 10-15 सालों से पुतले बनाने का काम करते आ रहे हैं। यहां पर वे दशहरा के उपलक्ष में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बना रहे हैं। रावण के पुतले की लंबाई 50 फीट, कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 45 फीट और मेघनाथ के पुतले की लंबाई 40 फीट होगी। जी, हमने इसमें रावण बनाया है 50 फुट का, 45 फुट का है कुंभकर्ण और वो 40 फुट का है मेघनाथ। तो हमने इसके हाथ पैर चेहरा वगैरह सब, हम सब लोग सहारनपुर में 62 फुट के पास रहते हैं, हर साल आते हैं, हम कम से कम 10 साल हो गए इस काम को करते हुए। हम ये काम करते हैं, हर दशहरे पे आकर ये काम करते हैं। वहीं नगर निगम मंडी के कमिश्नर एचएस राणा ने बताया कि अपर पड्डल मैदान में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर पड्डल मैदान में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने का काम चल रहा है। उत्सव के दौरान मंडी शहर में पड्डल मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उपायुक्त मंडी दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और रावण के पुतले का दहन करेंगे। इस वर्ष भी जो दशहरे का जो उत्सव है उसको धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके लिए नगर निगम की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें कि एफजीज का बनाया जाना, मतलब जो पुतले बनते हैं 3, उसका निर्माण चल रहा है और बहुत जल्दी मतलब राम उस दशहरा से पहले पहले उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसके अलावा उस दिन जैसे झांकी निकाली जाती है, झांकी के साथ साथ जो है राम, लक्ष्मण और जो हमारी बाकी जो झांकी होती पूरी वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पर जो है उनका स्वागत किया जाता है, वहाँ बैठ करके वहाँ चाय पान की व्यवस्था की जाती है। चीफ गेस्ट इस बार भी, जैसे पिछली बार उपायुक्त महोदय थे, इस बार भी वही होंगे। वहाँ पर आकर के जैसे दहन का कार्यक्रम होता है वो होता है, उसके बाद फिर आगे जो है रामलीला का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो किया जाता है। बता दें कि मंगलवार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में दशहरे को लेकर पुतले बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।